जबूर पांचवी किताब और उसका 132 बाब जो 18 आयात पर मुश्तमिल है। मालूत यानी हैकल की ज़ियारत का गीत। ए खुदावंद, दाऊद की खातिर उसकी सब मुसीबतों को याद कर कि उसने किस तरह खुदावंद से कसम खाई और याकूब के कादिर के हुजूर मन्नत मानी कि यकीनन मैं ना अपने घर में दाखिल होऊंगा, ना अपने पलंग पर जाऊंगा और ना अपनी आंखों में नींद, ना अपनी पलकों में झपकी आने दूंगा जब तक खुदावंद के लिए कोई जगह और याकूब के कादिर के लिए मस्कन ना हो। देखो, हमने इसकी खबर इफ्राता में सुनी, हमें ये जंगल के मैदान में मिली। हम उसके मस्कनों में दाखिल होंगे, हम उसके पांव की चौकी के सामने सिजदा करेंगे। उठ ए खुदावंद, अपनी आराम गाह में दाखिल हो, तू और तेरी कुदरत का संदूक, तेरे काहिन सदाकत से मुलब्बस हों और तेरे मुकद्दस खुशी के नारे मारें। अपने बंदा दाऊद की खातिर अपने ममसूह की दुआ नामंजूर ना कर। खुदावंद ने सच्चाई के साथ दाऊद से कसम खाई है, वो उससे फिरने का नहीं, कि मैं तेरी औलाद में से किसी को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद और मेरी शहादत पर जो मैं उनको सिखाऊंगा अमल करें, तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे, क्योंकि खुदावंद ने सय्यून को चुना है, उसने उसे अपने मस्कन के लिए पसंद किया है। ये हमेशा के लिए मेरी आराम गाह है, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मैंने इसे पसंद किया है। मैं इसके रिस्क में खूब बरकत दूंगा, मैं इसके गरीबों को रोटी से सेर करूंगा, इसके काहिनों को भी मैं निजात से मुलब्बस करूंगा और उसके मुकद्दस बुलंद आवाज से खुशी के नारे मारेंगे। वहीं मैं दाऊद के लिए एक सींग निकालूंगा, मैंने अपने ममसूह के लिए चराग तैयार किया है, मैं उसके दुश्मनों को शर्मिंदगी का लिबास पहनाऊंगा, लेकिन उस पर उसी का ताज रौनक अफरोज होगा।